हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खबे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम लिए खबा। अब इस खबा को हमें काटना नहीं है क्योंकि हम लोग के यहाँ होता है ये कि खबा जो है औरतें नहीं काटती हैं, तो इसको हम अपने बेटे से कटवाने जा रहे हैं। तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में हम थोड़े से धनिया के बीज डाल दिए हैं, थोड़े सौंफ डाल देंगे। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए डाले हैं 2 हरी मिर्च, थोड़े से अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी हमें बहुत थोड़ा सा लेना है। इनको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनमें से खुशबू आने लगे, बस उतना ही हमको रोस्ट करना है। ये जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए किसी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे आप केयर टाइट डिब्बे में रख करके महीनों तक आराम से खा सकते हैं। और खाने के साथ जब हम इसको खाते हैं तो खाने का स्वाद जो है वो एकदम दोगुना हो जाता है। तो ये देखिए, हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल करके रख देंगे ठंडा हो जाने के लिए, क्योंकि ठंडा करके ही हमें इन्हें पीसना है। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं हम खबा को काट लेते हैं। तो मेरा बेटा जो है इस खबे को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, आधे खबे का बनाएंगे और आधा खबा ऐसे ही रख देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं बनाना है। तो अब हम इसका जो बीज है बीच वाला उसको निकाल देंगे इस तरह से चाकू से काट करके, और जो बाकी बीज होंगे उनको हम इस तरह से उंगलियों से डाल करके निकाल देंगे। जब बीज रहेंगे ना तो ये जो रेसिपी है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जब हम खाने लगेंगे तो बीच में ये बीज आ जाया करेगा तो उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसके सारे बीज निकाल देने हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप खबा को काटें या छीलें तो हमेशा हाथ में ग्लव्स लगाए रहें, वरना क्या होता है ये इसका जो पानी होता है कहीं गलती से भी अगर बालों में लग गया तो बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा छीलते काटते समय ग्लव्स का यूज करें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इसको काटने के बाद कहीं आप हाथों को बालों में न टच करें, तुरंत हाथ धुल लें अच्छे से। तो इस तरह से इसको हम छील लेंगे। इसको छीलना बहुत आसान है, इसको आप चाकू से या पीलर किसी से भी आसानी से छील सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे खबा को छील करके अच्छे से धुल करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। मैं इनको बहुत ज़्यादा छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार इनको छोटे बड़े या जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आप काट सकते हैं। मैं छोटा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर किसी को थोड़ा ही खाना है तो 1-2 पीस ले सकते हैं, वरना क्या होता है जब हम बड़े पीसेज में बना लेते हैं तो किसी को ज़्यादा नहीं पसंद होता है तो उनको भी हम बड़ा पीस देते हैं तो आधा खाते हैं और आधा फिक जाता है। तो इसीलिए इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेज में ही कट रहे हैं। ये हमारा जो खबा है ये अभी बहुत ताज़ा है, फ्रेश है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यह सॉफ्ट है, तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी से ये छोटे छोटे पीसेज में कट गए हैं। तो आपने देखा ही कि मैंने एकदम छोटे पीस में काटा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो यहाँ मैं सरसों का तेल डाली हूँ। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हों, लेकिन सरसों के तेल में बनाने पे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, तेल को पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे। और तेल जैसे जब हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें हम इन खबा के पीसेस को डाल देंगे। ये खबाए की चटपटी रेसिपी मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। बचपन में तो बहुत ज़्यादा खाती थी और जब देखो तब हमेशा ही कहे, मम्मी वो चुंगली नहीं बनाना है। उसको ये नहीं पता था कि इसको क्या कहा जाता है। हम लोग इसको जो है मुरब्बा कहते हैं खबाए का, लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या कहा जाता है। तो अक्सर यही कहती थी, मम्मी चुंगली नहीं बनेगा, तो सभी लोग हंसने लगते थे। लेकिन आज मैं बना रही हूँ तो घर पर है ही नहीं खाने के लिए, तो इसीलिए मैं आधे खबाए का बना रही हूँ, आधा रख दूंगी, जब वो आएगी तो फिर बनाऊंगी। तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से चलाते हुए थोड़ा भून लेना है। और गैस का फ्लेम इसमें थोड़ा हम हाई रखेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से भून जाए, इसकी जो ऊपरी लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे ढक करके पकने देंगे।
और जब तक ये पक रहा है हम यहाँ पर लिए हैं एक गुड़ और इस गुड़ को जो है हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे चाकू से। ये गुड़ जो है ना थोड़ा सा टाइट है, वरना तो गुड़ हाथ से भी ऐसे ही मैश हो जाता है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं। जब इनको हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, वरना मेल्ट होने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको गर्म पानी में डाल करके भी मेल्ट कर सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही मेल्ट कर लूंगी। आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन जब हम गुड़ से इसको बनाते हैं ना तो इसका कलर भी देखने में अच्छा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जो लोग चीनी नहीं खाते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, वो भी लोग भी इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी और इसको अच्छे से चलाते हुए मेल्ट करेंगे। ये चम्मच से मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको हाथों से मेल्ट करेंगे। हाथों से ये मेल्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब इसको हम ऐसे कुछ देर के लिए रख देंगे, ये अपने आप ही थोड़ा मेल्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे जो खबा हैं वो बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये 50% पक गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिससे कि ये खाने में चटपटे रहें और इनका कलर भी देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ हम डाल देंगे इसमें चटपटा टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। कलर के लिए डालेंगे एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें टेस्ट के लिए डाल देंगे एक चौथाई चम्मच सादा नमक। और इन सबको हम इस खबा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो है खबा के साथ साथ ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे, इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। तो ये देखिए मसाले जो है खबा में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो इनको हम ढक करके ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम मसालों को तैयार कर लेंगे पीस करके। तो यहाँ मिक्सर जार में हम रोस्टेड मसालों को डाल दिए हैं और इन्हें हम थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले भी तैयार हो गए हैं पीस करके, और इन्हें बहुत बारीक नहीं पीसे, एकदम दरदरा ही पीसे हैं। और ये देखिए हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है। तो इस हम गुड़ को हाथों से और अच्छी तरीके से एक बार मेल्ट कर लेंगे। पहले के समय में जब गांव में कोई शादी पार्टी या कोई फंक्शन होता था, ये खबे वाली रेसिपी जरूर बनती थी खाने के साथ में देने के लिए। खाने वालों को अगर ये रेसिपी नहीं मिलती थी तो खाने का स्वाद जो है वो अधूरा रह जाता था। तो ये देखिए सब गुड़ मिक्स हो गए हैं अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमारे खबा है वो बहुत अच्छे से पक गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसको हम एक बार और अच्छे से चला देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे हम वो जो गुड़ मेल्ट करके रखे हुए हैं उसको इसमें हम छान करके डाल देंगे। इसमें हम गैस का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे। और छानने से क्या होता है जो इसमें नीचे कचड़े बैठे रहते हैं वो इसमें गिरते नहीं है, छन्नी में ही रह जाते हैं। वरना जब हम ऐसे डाल देते हैं गुड़ के चाशनी को तो क्या होता है बहुत ज़्यादा खिसखिसाहट सी आने लगती है जब हम इसको खाते हैं। तो यहाँ हमने इसको छान करके डाल दिया है। अब इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम गैस का फ्लेम जो है हाई मीडियम कर देंगे और इसे ढक करके पकने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा खट्टापन भी लाना है, तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खटाई। ये खटाई डालने से ये जो रेसिपी है वो थोड़ी खट्टी और चटपटी सी हो जाती है। आप खटाई की जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर खटाई जब डालते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। ये खटाई जो है गर्मियों के मौसम में जब आम का सीजन रहता है तो उस समय क्या है आम कच्चे आम को छील करके सुखा लेते हैं, फिर ये खटाई बना करके रख देते हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज करते हैं। अब इसमें हम रोस्टेड मसाले डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके पीस करके रखा है। तो इसमें मैं 2.5 चम्मच मसाले डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इन मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो इन पीसों में बहुत अच्छे से आ जाए।
तो ये हमारा जो खबा है बहुत अच्छे से पक गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ढक करके 5 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे कि मसालों का फ्लेवर, गुड़ का फ्लेवर और जितने नमक हैं सब एक दूसरे आपस में मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट बाद ये देखिए हमारी रेसिपी बन करके एकदम तैयार हो गई है, और इसका पानी जो था वो भी सूख गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, देख करके ही मुँह में पानी आने लगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इसे ठंडा करने के बाद किसी एयरटाइट जार में रख करके आप महीनों बड़े आराम से खा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसको गर्म ही किसी बर्तन में मत रखिएगा, वरना क्या होगा, इसके भाप से पानी बनेगा और ये खराब हो जाएगा जल्दी। तो ये देखिए ये ठंडा भी हो गया है, तो इसको हम स्टोर कर देंगे और हम आपको टेस्ट करके भी दिखा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल पर अपनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय।